वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। इस साल अर्थव्यवस्था के 3000 अरब डॉलर तक होने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया। 2024 तक सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का मिशन। विदेशी निवेश बढ़ने से उत्साहित केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी का मन बनाया। रेलवे के मूलभूत ढांचे में बदलाव के लिए अगले 12 साल में 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत। निवेश के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाएगी सरकार। गुजरात राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। कांग्रेस के विधायक शिविर से गांधीनगर लौटे। गुजरात के हरेन पांड्या हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 7 दोषियों की सजा को बरकरार रखा। रत्नागिरी में तिवरे बांध टूटने से मरने वालों की संख्या 18 हुई। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत 17 जुलाई को फैसला सुनाएगी। और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से बाजार में मायूसी। सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के।